ओके दैन वी हैव अनदर टॉपिक ऑफ बोन पैथोलॉजी दैट इज पेजर डिजीज ऑफ बोन और ओस्टाइटस डिफॉर्मेंस ओस्टाइटस डिफॉर्मेंस जैसे नाम से पता चल रहा है कि इट्स अ डिफॉर्मिटी ऑफ बोन बोन नॉर्मली बन नहीं रही है उसमें कोई एबनॉमेलिटी uh, है ड्यू टू विच इट इज़ बिकमिंग वीक एंड इट इज़ बिकमिंग मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स हमने जितने भी अब पथोलॉजी uh, की टॉपिक्स uh, पढ़े हैं उसमें मोस्टली एक uh, जो कॉमन कंप्लेंट थी वो बोन पेन की थी जो कि माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से हो रही है इट इज़ टू इन दिस एज वेल पेजर डिजीज़ में भी यही हो रहा है इसकी कोई ऐसे प्रॉपर एटीलॉजी तो नहीं पता बट बत, uh, कहा ही जाता है कि वायरल डिजीज़ की वजह से समटाइम्स ये हो जाती है एनी वे anyway, इसमें हो क्या रहा है पेजर डिजीज में डेट इट इज़ अ डिजीज कंडीशन ऑफ इंक्रीज बट डिसऑर्डर स्ट्रक्चरली अनसाउंड बोन की जो बोन में ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसका लाइक साइज तो इंक्रीज हो जाएगा इट विल बिकम बिगर बट इट विल नॉट बी लाइक प्रॉपरली रिमोडल्ड उसमें वो थिक होगी फर्म होगी उसकी रिमॉडलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो इट विल बी वीकर ठीक है इट विल भी अनसाउंड ठीक है सो पेजर डिस इज द कंडीशन ऑफ इंक्रीज बट डिसऑर्डर्ड एंड स्ट्रक्चरली अन साउंड बोन द बोन इज इंक्रीज बट इट इज डिसऑर्डर्ड एंड स्ट्रक्चरली अनसाउंड ठीक है इसकी पैथाजनिस पैथाजेनिस के तीन इंपॉर्टेंट स्टेजेस

स्टेज सेकेंड स्टेज कौन सा ठीक है एंड थर्ड स्टेज ऑस्टियोक्टिक और हार्डन बोन फेज जिसमें वो बर्न आउट होकर बिल्कुल has, uh, जो जिसमें उसकी मतलब मैस तो इंक्रीज हो गया है बोन तो इंक्रीज हो गया लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर uh, है वो अनसाउंड है ये बात होगी अच्छा फर्दर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी देख लेते हैं अच्छा, एक, एक हम जो पीछे डिजीज पड़ी है एकजिया पड़ा है हमने और इसके अलावा हमने वो ऑस्टोजेनिस इम्परफेक्टा पढ़ा है तो वो हम मोस्टली देख रहे थे कि यंग चाइल्डहुड में ही डायग्नोज हो जाते हैं डिजीज जबकि जो ये डिजीज़ है पेजर डिजीज़ ऑफ बोन इट्स अ डिजीज़ ऑफ लेट अडल्टड तो ये हमें पता होना चाहिए देन पैथोजेनेसिस हमने बोला है कि इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और कुछ इन्वायमेंटल फैक्टर्स भी हैं जेनेटिक फैक्टर्स में देखा जाए तो जैसे हमने ऑस्टोप्रोसिस में देखा था कि डब्ल्यू एंटी सिग्नलिंग में मसला था Uh, और इसमें जो पेजर डिजीज़ है इसमें आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट बट एस क्यू एस टी एम वन जीन में मसला होता है एस क्यू एस टी एम वन जीन में प्रॉब्लम होती है पेजर डिजीज़ की इसमें ठीक है और इसके नतीजे में हो क्या रहा है अगर इसमें म्यूटेशन होगी एस एस क्यू एस टी एम वन जीन में तो उसके नतीजे में इंक्रीज एक्टिविटी हो जाएगी किसकी एन एफ के बीटा की एन एफ के बीटा क्या है इट्स अ न्यूक्लियर फैक्टर कैपा लाइट चेन एनहांसर ऑफ बीटा सेल्स ठीक है तो लंबा सा नाम है तो अब ख़ाली इसको एन के बीटा याद कर लें कि जब एस क्यू एस क्यू एस टी एम वन जीन की म्यूटेशन होगी तो उसके नतीजे में एब्नोमलिटी इसमें आएगी एन के बीटा में एन के बीटा ने क्या करना होता है ओस्ट्रो एक्टिविटी इन्हांस करनी होती है ठीक है तो एन जब एस क्यू एस टी एम एन जीन में म्यूटेशन आई तो एन एफ के बीटा की एक्टिविटी इन्हांस होगी स्टमिनेशन होगी जिसके नतीजे में ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तभी जो पहला स्टेज था वो कौन सा था ऑस्टोलिटिक स्टेज था ठीक है तो यहाँ से मसला शुरू हुआ इसके अलावा हम देखते हैं कि म्यूटेशन रैंक में भी आती हैं रैंक की एक्टिवेशन होती है ओ पी जी की uh, इनएक्टिवेशन होती है जिस नतीजे में अगेन ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी ने ज़्यादा हो जाना तो एस क्यू एस टी एम एन जीन एन एफ के बीटा जीन रैंक और ओ पी जी ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं जो कि इसका जेनेटिक कंपोनेंट बना रही हैं अच्छा इसके अलावा हमने ये देखा कि इसका इन्वायमेंटल कंपोनेंट ये है कि अगर ओस्टो प्रिकर्सर सेल्स की अर्ली एज में आ, आ, या किसी भी एज ग्रुप में उसकी इन्फेक्शन हो जाए विद सम वायरसेस लाइक मीजल्स या आरएनए वायरस तो उसके नतीजे में क्या होता है के जो वाइटमिन डी सेंसिटिविटी होती है ऑस्टो सेल्स की और जो उसकी आयल सिक्स क्रेशन होती हैं वो अल्टर हो जाती हैं ड्यू टू विच बोनजॉप्शन ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ ऑस्टो सेल्स अगर ओस्टोक्लास्टिक से uh, की इफेक्शन हुई बाय मीजल्स वायरस और बाई आर और बाय अदर आर एन ए वायरस उसके नतीजे में उसकी वायटमिन डी सेंसिटिविटी और आयल सिक्स सेक्सिक्रिय्रीशन ऑल्टर होगी जिसके नतीजे में उसकी ऑस्टोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो जेनेटिक कंपोनेंट हमने देखा और हमने इन्वयमेंटल कंपोनेंट भी देख लिया इसका पेजर डिजीज़ का और हमने ये भी देख लिया कि इसकी तीन स्टेज़ज होती हैं ऑस्टो ऑस्टियोब्लास्टिक एंड स्टेज ठीक है अब मॉर्फोलॉजी सी कैसी होती है अगर हमें बायोप्सी करें तो हमें कैसे नजर आएगा तो पेज डिजीज का जो रिमार्केबल पैटर्न है वो है इसका मोजैक पैटर्न मोजैक पैटर्न जैसे ये होता है कि इट इज जिग्सा पजल लाइक लाइकेंस जैसे हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि बिल्कुल कोई ऑरियंटेशन ये सेल्स की जैसे पजल के सेल्स एबनॉमली अरेंज हुए होते हैं आ, एक हौज पोज सा बना हुआ है उसका तो दैट इज़ द कैटरिस्टिक फॉर पेजर डिजीज़ और ये उसकी हमें लास्ट स्टेज स्थे, में ओस्टो स्टेज में नजर आता है ठीक है अच्छा तो मोजैक पैटर्न ऑफ लेमिलर बोन जो कि एक फेस का एक कैटरिस्टिक फीचर है वो एक हॉलमार्क है पेजर डिजीज का क्या मोजैक पैटर्न ऑफ लेम्युलर बोन नॉमनली लेमुलर बोन हम देखते हैं कि वर्ल्स के फॉर्म में पड़ी होती है ना वर्ल्स बने होते हैं बोन के अगर वो इस तरह के पैटर्न में सेल्स पड़े हो ऑस्टियोब्लास्ट ठीक है तो उसको हम लेमर बोन के इस तरह का पैर्न भाजपा पैटर्न तो वो क्या होगा पेजर डिजीज ठीक है अच्छा और ये और ये जिगसा पैटर्न जिगसा पजल पैटर्न या फिर मोजैक पैटर्न बनता क्यों बिकॉज़ देयर इज अ अनयूजुअली प्रॉमिनेंट सीमेंट लाइंस ठीक है विद जॉइन हैपहैज़र्डली ओरिएंटेड यूनिट्स ऑफ लैमेलर बोन जो यूनिट्स हैं लैमेलर बोन की उनको हैपहैज़र्डली अरेंज करती हैं प्रॉमिनेंट सीमेंट लाइंस की वजह से ये मोजैक पैटर्न बन जाता है ठीक है अनयूजुअली प्रोनौंस्ड सीमेंट लाइन्स और अन्यू प्रॉ लाइन ज्वाइन दा हैजली अरेंज लेमर बोन सेल्स और लेमेलर बोन यूनिट्स ठीक है इस अच्छा इसलिए फेज में होता क्या जो एंड स्टेज है इसकी उसमें बोन थिकन हो जाएगी लेकिन स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी ठीक है कि तो वजह से उसके फ्रेक्चर्स वगैरह ज्यादा शुरू हो जाएंगे जो इनिशियल लेटिक स्टेज है उसका अच्छी तो हमने इस रोटिक स्टेज का पढ़ लिया कि इसमें क्या हो रहा है इसमें मजैक पैटन है इसमें बोन थिक हो गई है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं हुई है और लिटिक स्टेज में हम क्या कह रहे हैं कि हमें लाज ऑस्टिक नजर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा और साथ में उनकी वजह से पिट्स

बट मनी ऑफ द मॉन्स सर्विस आर ऑल्सो लन बाई ऑस्टिव प्रोमिनेंट प्रोमिनं और लास्ट स्टेज में हमें मुजैक पर नजर आ रहे हैं बस ठीक है अच्छा क्लिनिकल कोर्स कैसा होता है इसका तो हमें कहते हैं कि ये पूरे स्केल्टन को इन्वॉल्व नहीं करती पैदर्ट डिजीज ये मोनोस्टोटिक भी हो सकती है कि जस्ट एक बोन को इन्वॉल्व कर जो कि फिफ्टी परसेंट केसेज में होता भी या फिर पोलियोस्टोटिक भी हो सकती है कि मैनी बोन्स को इन्वॉल्व करती है बट इंटायर स्केल्टन को इन्वॉल्व नहीं करती ठीक है एक्जियल स्केल्टन मोस्टली इन्वॉल्व होता है साधार में प्रॉक्सिमल फीमर इन्वॉल्व होती है एटी परसेंट ऑफ केसेज में और मोस्ट केसेज सिमेटिक होते हैं जिसमें पेन की सिम्टम ही मिलेगा पेन का सिम्टम देंगे लोग क्योंकि उसमें माइक्रो माइक्रोफ्रेक्चर्स हो जाते हैं क्योंकि बोन ही अब नॉर्मल है और हमें रेडियोग्राफिक फाइंडिंग पर ही इसका पता चलता है रेडियोग्राफी में हमें इसका पता चलता है कि बोन थिकन हुई हुई है एंड दैट इज अब नॉर्मल ठीक है रिमोडल नहीं है प्रॉपर अच्छा तो माइक्रो फ्रैक्चर के साथ पेन होगा इसके अलावा पेन दो तरह से दो वजह से हो सकता है तो ये कि माइक्रो फ्रैक्चर्स हो रहे हैं बोन में सेकेंडली बोन थिक होकर इम्पिजमेंट इम्पिज कर रही ओवर द क्रेनियल स्पाइनल नर्व उसकी वजह से पेन हो सकता है ठीक है इसके अलावा पेजर डिजीज का इंपॉर्टेंट कैटरस्टिक है लाइन लाइक फेसिस या लियोन शिया ओशिया लियोन लियोन शीसिस ओशिया या लाइन फेस या लाइन लेग फेसिस भी होती हैं इसमें क्यों क्योंकि जो क्रेनियम फेशियल बोन्स हैं उनकी इन्वॉलमेंट की वजह से फेस वैसा बन जाता है ठीक है और हेड uh, uh, हम इसको कहते हैं कि हेड साइज इंक्रीज हो रहा होता है बहुत जल्दी इसमें ना क्योंकि हेड की इलाजमेंट हो रही होती हेड है, इतना हैवी हो जाता है दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट टू कीप इट अटैक्टेड ठीक है अच्छा जो वीकेंड सक्लोरोटिकटिकेजेटिकोटिक वीकेंड बोन है उसमें क्या उसमें जो स्कल की बोन होती है ना पेजेटिक डिजीज अगर तो स्कल को इन्वॉल्व कर ले तो उस, उसकी बोन में ना ईजी कंप्रेशंस आने लग जाती हैं और उसमें उसमें इमेजिनेशन आने लगता है इमेजिनेशन को हम कहते हैं उसको प्लेटी बेसिया के इमेजिनेशन आ रही हैं पेजेटिक बोन में इमेजिनेशन आती है स्कल बेस में उसमें हम कहते हैं प्लेटी बेसिया के स्कल बेस में इमेजिनेशन आ रही है इसके अलावा कंप्रेशन हो सकती है पोस्टेर तो फोसा की तो पोस्टर फोसा की कंप्रेशन और स्कल बेस की इमेजिनेशन जिसको हम प्लेटी बेस कहते हैं ये भी इसका कैटरिस्टिक है इसके अलावा वेट बेरिंग बोन्स होते हैं वो भी वीक हैं तो वो अगर फ्रैक्चर ना भी करें तो उनकी फॉरवर्ड बॉविंग हो जाती है फॉरवर्ड बॉविंग या इंटीरियर बॉविंग की वजह से किस किस बॉन्स हो सकती हैं फीमर्स की भी हो सकती है टीबिया की भी हो सकती है और uh, uh, इसके नतीजे में पता है मसला क्या आता है कि सेकेंडरी ऑस्टिओ आर्थराइटिस हो जाता है डेफिनेटली अगर बोन्स की फॉरवर्ड या एंटीरियर बॉविंग हो रही है तो वहाँ पर फिर रिजल्टेंटली पेन भी शुरू हो जाएगा और उसको उसके समय सेकेंडरी ओस्टियो आर्थराइटस भी मिलता है तो अगर हमसे कभी सेकेंडरी ओस्टियो का रीजन पूछ जाए तो आपने सम पेजर डिजीज़ लास्ट में लिखना है क्योंकि जो वेट बेनिंग बोन्स है बॉडी की वो फॉरवर्ड बाव कर रही है इन द सेटिंग ऑफ पेजर डिजीज़ इसके अलावा हम uh, एक तो सेकेंड ऑस्टि आर्थराइटिस देखते हैं दैन चॉक स्टिक टाइप फ्रैक्चर्स भी देखते हैं लॉन्ग बोन्स का चॉक स्टिक टाइप फ्रैक्चर्स हो जाता है लॉन्ग बोन्स ऑफ द लोअर

इंडिकेट कि ये पेजर डिजीज की तरफ जा रहा है बंदा ठीक है ये एक मतलब लो, एक मतलब कंडीशन है जो कि सॉलिटरी एल पी सराइज कराते बाकी चीज़ नॉर्मल होती है और हमने कहा जब पेजर डिजीज डेवलप हुई होगी डेफिनेटली वहां पे रैपिड सेल्स का टर्न ओवर हो रहा है ज्यादा ऑस्टोब्लास्टिक एक्टिविटी है ज्यादा ऑस्टोलेटिक एक्टिविटी है उसके नतीजे में ना वहाँ पे आ, ट्यूमर बनने के चांस बढ़ जाते हैं तो ओस्टोसार कोमा का चांस बढ़ जाता है न सेटिंग को पेजर डिजीज ठीक है तो ट्रीटमेंट्स का यही है हम कैल्सिटोलिन देते हैं जो कि ऑस्टोग्लास्टिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा होता है और हम बिस्फोसोनेट देते हैं जो कि ये ऑस्टोग्लास तो की अपोक्टोसिस करा रहा होता है तो इस तरह सब उसको ट्रीट कर लेते हैं तो उसके क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट थे कि माइक्रो फ्रैक्चर्स भी हो रहे हैं पेन उसकी वजह से पेन हो रहा है इंपिंचमेंट भी हो रही है नर्व्स की लाइन लेग फेस भी बन रहा है हेयर साइज भी इंक्रीज हो रहा है ब्लेटी बेसिया भी हो रहा है चॉक स्टिक लेग फ्रैक्चर्स भी हो रहे हैं सेकेंडरी ऑस्ट्रोथराइटिस भी हो रहा है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एंड आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको उसको जो पैथोलॉजी वो यही है कि या तो म्यूटेशन हो सकती है एस क्यू एस टी एम वन जीन में या फिर नॉर्मेंटली किसी इन्फेक्शन हो सकते किसी वायरस से या किसी और आने वाले से तो लेकिन एक्टिविटीज में एन एफ के बीटा की है और रैंक की ज़्यादा हो रही है और ओ पी जी की कम हो रही है और ऑस्टोकलास्टिक एक्टिविटी इन्हांस हो रही है जिसको कॉम्पनसेट करने के लिए ऑस्टो प्लास्टिक की टूटी ज्यादा होती है और बोन की शेप अब नॉर्मल हो जाती है दैट इज ऑल अबाउट पेजर डिजीज